So today we are discussing sixth geography, that's eighth chapter, which is India, that is climate, vegetation and wildlife. तो इंडिया की जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. जो भी इंडिया का वेजिटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे और वाइल्ड लाइफ. सो यू रीड अ न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हेयर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर. सो वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है सबसे पहले तो यही दिया हुआ है इसमें. तो जो वेदर होता है, वेदर में हम जब बात करते हैं तो वेदर डे टू डे लाइफ का होता है, यानी कि वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफेयर. तो ये चीज़ क्या इंक्लूड करती है, वेदर जो इंक्लूड करता है चीज़ें, वो ये इंक्लूड करता है कि टेम्परेचर क्या है, आज रेनफॉल है या फिर आज सनशाइन है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो वेदर के अंदर आती हैं. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि बहुत क्या हो सकता है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, इट्स वेरी हॉट और इट्स वेरी कोल्ड, बहुत सनी है आज, बहुत क्लाउडी है या बहुत विंडी है या फिर काम है. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं. सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वॉर्म क्लोथिंग. तो ये एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि जब बहुत ज़्यादा दिनों तक गर्म हो रहा हो कंटिन्यूसली, तो हमें वॉर्म कपड़े नहीं चाहिए होते, गर्म कपड़े नहीं, हमें स्वेटर्स या जैकेट्स नहीं चाहिए होती हैं, हमें ड्रिंकिंग के लिए हमें ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं. जैसे गर्मियों के मौसम में हम वाटरमेलन खाते हैं, मस्क मेलन खाते हैं, तो ये ठंडी चीज़ें होती हैं, कुकुम्बर खाते हैं, ठंडी चीज़ें. इन कॉन्ट्रास्ट, उसी के उल्टा, उसी के अपोजिट, अगर उन दिनों में जब हमको ठंडा फील हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, हम बिना वुलन क्लोथ्स के हम बाहर नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होती है. और बहुत जब चिल मौसम होता है तो हम फिर क्या कुछ हॉट, जैसे हॉट हमने चॉकलेट या हम हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, इस तरीके की चीज़ें पीते हैं. तो ब्रॉडली जो हमारा मेजर सीजन्स हैं जो इंडिया में, क्योंकि अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो मेजर सीजन्स हैं जो कि यहाँ पे पहचाने गए हैं, तो उनमें से पहला है कोल्ड वेदर, यानी कि जो ठंडा वेदर है, ठंडा मौसम है विंटर्स का, जो कि दिसंबर से फरवरी के टाइम का होता है. उसके बाद हॉट वेदर यानी कि समर्स जो होते हैं वो मार्च से मई के टाइम में होते हैं. फिर मई के बाद जो होता है रेनी सीज़न शुरू हो जाता है. जो साउथ वेस्ट है वहाँ पे रेनी सीज़न जो है वो जून से सितंबर के टाइम में होता है. और बाकी सीजन्स टू रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम, अक्टूबर एंड नवंबर. सो अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है, ऑटम का मौसम होता है. मार्च और मार्च से मई तक क्या होता है, गर्मी रहती है. फिर मई के बाद, फिर जून, जुलाई, अगस्त तक फिर बारिश का मौसम रहता है. तो ये सारे जो मेजर जो सीजन्स हैं वो इंडिया में रिकग्नाइज किए गए हैं, पहचाने गए हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर. तो कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर क्या है. ड्यूरिंग द विंटर सीज़न द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन साउदर्न इंडिया. तो हमने ग्लोब वाले चैप्टर में ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि कैसे सन की जो रेज हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं या तिरछी पड़ती हैं. तो विंटर के टाइम पे जो है सन रेज क्या है, सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती हैं. इसीलिए क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है. और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो जो ऊपर के रीजन्स होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर या हिमाचल, उत्तराखंड, इधर क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है. सो हॉट वेदर सीज़न और समर. तो जब हम समर्स की बात कर रहे हैं तो हॉट वेदर सीज़न में जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं अर्थ पे, इंडिया पे स्पेशली. सो टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत हाई हो जाता है. और ये जो हॉट और ड्राई विंड जो है, जिसको लू कहते हैं, वो दिन के टाइम में चलती है. तो अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें जो लोग हैं कंट्री के वो डिलीशियस ड्रिंक
कूल ड्रिंक्स पीते हैं, जिनको हम शरबत कहते हैं, जो कि फ्रूट्स के बने हुए होते हैं और अलग अलग रीजन्स पे हैं। ये बहुत एक्सेलेंटली हमें क्या करते हैं, हमें जो हार्श लू होती है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के दिए हुए हैं हमको, जैसे कि रॉ मैंगो का, या बेल का, नींबू का, इमली का, कुकुम का, फिर वाटरमेलन का, बटर मिल्क यानी कि जो मट्ठा होता है वो, और जो एक कर्ड होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमको कि हम किस तरीके से लू से बच सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, ये आफ्टर अ हॉट समर, जब बहुत एक समर हॉट समर हो जाता है, तो जो पहली रेन जो है जब शुरू होती है, तो हर लैंग्वेजेस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या है, बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स बने हुए हैं जो कि मतलब हैप्पी और चीयर का साउंड है कि भाई इतनी गर्मी के बाद बारिश हो रही है, तो यानी मौसम थोड़ा ठंडा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि कलेक्ट करनी है आपको ऐसी पोएम्स, तो ये बच्चों की एक्टिविटी है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि रेनी सीजन्स को हिंदी में हम वर्षा कहते हैं, बारिश कहते हैं उर्दू में, पोस कहते हैं मराठी में, और वर्षा बंगाली में कहते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, पोस का महीना लाइक, या पौष। सो देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, विच इज़ साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। सो साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न क्या होता है, दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाई द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो ये जो सीज़न है, ये रेनी सीज़न जो है, ये एक एडवांसमेंट मानी जाती है सीज़न की। जो विंड है वो अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से क्या होती है, जो हमारी लैंड है उसकी तरफ को चलती हैं, जिस वजह से क्या होता है, अपने साथ साथ वो मॉइस्चर भी लेके आती हैं। अब ये मॉइस्चर जब क्या करता है, स्ट्राइक करता है माउंटेन से, तो माउंटेन एक बैरियर की तरीके से काम करते हैं और इन विंड को वापस भेजते हैं, और वापसी के टाइम में क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। उसके बाद क्या होता है, ये विंड जब वापस से अपनी मेन लैंड को जा रही होती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल को और अरेबियन सी को जा रही होती हैं, तो यहाँ पे ये मानसून क्या करता है, जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि जैसे तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे ये बारिश करता है। तो हवेवर क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कहते हैं, जैसे हम क्लाइमेटिक कंडीशंस, नॉर्थ इंडिया की बहुत ठंडी है क्योंकि वहाँ पे बहुत साल, जैसे लद्दाख वगैरह, जम्मू कश्मीर का वो एरिया, ये बहुत ठंडे, जम्मू कश्मीर का मोस्टली पूरा ही एरिया बहुत ठंडे रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठंडा है। तो क्लाइमेट कंडीशन हम उनको कहते हैं जो कि बहुत सालों से क्या हो रही हो वहाँ पे, वैसी ही हो। और वेदर एक कुछ टाइम का होता है, जैसे टेम्प्रेरी वेदर होता है, ठीक है। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। तो ये मैंने एक स्टेट का एग्जांपल दिया था, लेकिन अगर हम ऑन द होल पूरे इंडिया का लें, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसको मानसून टाइप कहा गया है। मानसून एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, मौसम, जिसका मतलब सीज़न होता है। तो अब ये जो इंडिया की लोकेशन है, ये ट्रॉपिकल रीजन की है, तो यहाँ पे क्या है, जो रेन है वो, जो मानसून विंड्स हैं वो रेन को लेके आती हैं, और जो इंडिया है, इंडिया का जो एग्रीकल्चर है, ये टोटली इस रेन पे डिपेंडेंट है। अच्छी अमाउंट ऑफ मानसून और अच्छी अमाउंट ऑफ जो एडिक्वेट रेन है, उसका मतलब ये है कि हमको बहुत ही बाउंटीफुल क्रॉप, यानी कि बहुत ही हमें फ़ायदेमंद क्रॉप जो है वो हो रही है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि वट वुड हैपन इफ़ मानसून वर वीक। तब क्या होगा अगर मानसून वीक हो गए, तो या फिर वर्स हो गए, यानी कि मानसून अच्छे से नहीं हुआ, तो क्या क्रॉप जो है अफेक्ट होंगी। ऑब्वियसली क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगी। द लेवल ऑफ वाटर इन अ वेल कम अप और डाउन। अगर वेदर कंडीशन, अगर अच्छे से बारिश नहीं हुई तो वो नीचे जाएगा। समर विल बी लॉन्गर, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं तो ठंडा थोड़ा महसूस ही नहीं होगा हमको। तो ये हो गया क्या, सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं
तो हमें जाना है मैप में इंडिया के और लोकेट करना है हमको प्लेसेस को. सो अब यहाँ पे दिया हुआ है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन. क्या किसी भी क्लाइमेट मतलब किसी भी प्लेस का क्लाइमेट क्या उसकी लोकेशन की वजह से होता है. अब लोकेशन में क्या चीज़ आती है कि वो कितनी एल्टीट्यूड पे है, वो सी से कितना ऊपर है, इस तरीके की चीज़ें. तो हाँ बिल्कुल ये बात एकदम सही है. जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें एक्सपीरियंस जो रीजनल डिफरेंस का होता है हमें क्लाइमेट में, जैसे इंडिया का जो जैसलमेर और बीकानेर का इलाका है ये डेजर्ट का इलाका है राजस्थान में, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है. वहीं पे अगर हम द्रास और कारगिल की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड होता है. उसके बाद जो कोस्टल एरियाज़ हैं जैसे मुंबई हो गया या फिर कोलकाता हो गया, वहाँ पे एक मॉडरेट क्लाइमेट होता है. उसके बाद मतलब मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं होता, बहुत ठंडा भी नहीं होता. तो बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड. तो मुंबई और कोलकाता वगैरह ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होते हैं. उसके बाद तो जो मौसम है मेघालय में वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल जो है वर्ल्ड का वो रिसीव करता है. तो इस ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मौसनराम इन मेघालय क्या है, मौसनराम मेघालय में जो है ये एरिया, ये बहुत वर्ल्ड का हाईएस्ट यानी वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल मौसराम में हमें एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, वहीं पे पार्टिकुलरली जैसे जैसलमेर का एरिया है राजस्थान में, वहाँ पे रेन होती भी नहीं है कई मतलब एक पर्टिकुलर साल में ऐसा भी दिन हो सकता है जब वहाँ बारिश हो ही ना. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ नेचुरल वेजिटेशन. तो वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आर सराउंडिंग. तो हम बहुत अलग अलग तरीके के जो है प्लांट्स अपने सराउंडिंग में देखते हैं. कुछ ट्रीज़ होते हैं जैसे मैंगो के ट्रीज़, कुछ फ्लावर्स होते हैं गेंदे का फूल हो गया या फिर रोज़ का प्लांट हो गया. तो इस तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं. हमें बहुत अच्छा लगता है किसी भी ग्रीन ग्रासेस के फील्ड में खेलना या फिर ग्रीन ग्रासेस में चलना भी. सो देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेज एंड शर्ब्स. तो शर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया या फ्लावरिंग प्लांट गेंदा वगैरह, ये क्या होती हैं, शर्ब्स होती हैं. और वैसे ही बहुत सारे बुशेज के प्लांट्स भी होते हैं. तो ये इनमें फ्लावर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है. बिसाइड्स देर आर मैनी टॉल ट्रीज सम विथ मैनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम मैंगो विच स्टैंड फ्यू लीव्स सच एज पाल प्लम. तो अब देखो जैसे नीम और मैंगो की जब हम बात कर रहे हैं तो इनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी लीव्स होती हैं. वहीं पर जैसे पाल्म एक ट्री है जिसमें बहुत कम लीव्स होती हैं. द ग्रासेस शर्ब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. तो जैसे जंगल वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो ग्रासेस हैं, ये शर्ब्स हैं, ये ट्रीज हैं, ये किसी ने बोए नहीं होते हैं जाके. ठीक है, वो खुद अपने आप से उगते हैं. तो वो बिना ह्यूमन की इंटरफेरेंस के या बिना ह्यूमन की हेल्प के वहाँ पे उगे हैं. तो उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन कहेंगे. डू यू वंडर हाउ दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर. तो हम क्या ये इन दोनों में डिफ़र कर सकते हैं. सो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो हर एक इलाके में हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग तरीके की नेचुरल वेजिटेशन होती है. और ये जो नेचुरल वेजिटेशन ग्रो हो रही है ये मेजरली डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है या नहीं हो रही है. तो हमें यहाँ पे एक ग्राउंड लेवल में दिया है. 1.5 मीटर तक जो उगते हैं उनको हम शर्ब्स कहते हैं. फिर 5 मीटर तक यंग प्लांट, फिर 20 तक भी यंग ट्रीज़ या हम कहते हैं. उसके बाद 20 मीटर्स तक हम कैनोपी कहते हैं. और 40 मीटर और उसके अबव 60 मीटर तक, तो ये होते हैं कैनोपी. और 20 मीटर्स तक यंग ट्रीज़ की हाइट जाती है. तो ये तो है ग्राउंड लेयर.
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर आप देख रहे हो तो कितना ग्रीन है बिल्कुल, है ना। वहीं पे अगर आप जो वेजिटेशन जो उन एरियाज़ में होती है, जैसे कि बहुत जैसे डेजर्ट में जो वेजिटेशन होगी वो कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके की होगी, और बहुत बिल्कुल बैरन ट्री, बैरन रॉक्स होती हैं, है ना। वहाँ पे किसी भी तरीके की हमको ये वेजिटेशन नहीं मिलती, वहाँ पे हमको लाइकेन्स वगैरह मिलते हैं, तो ये होता है। फिर ब्रायोफाइट्स जो एक प्लांट की एक वैरायटी होती है, बहुत छोटे से बिल्कुल होते हैं वो, उस तरीके की चीज़ें हमको मिलेंगी वहाँ पे। बट जब हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है उसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन मिलती है। जो वेजिटेशन है इंडिया की वो हम डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइप्स में, यानी कि 5 तरीके की, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं। इवन अगर हम क्लाइमेट की भी बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं। तो अब जब हम इंडिया की वेजिटेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो हम 5 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि वो फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल है और बहुत हमेशा हरा रहता है। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, यानी कि डेसीडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद थ्रोनी बुशेस, फिर माउंटेन वेजिटेशन है, और मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होता है? जैसे सुंदरबन डेल्टा, मतलब सुंदरबन में है जो ये मैनग्रोव्स हैं, यानी कि उसमें मैनग्रोव्स उगी हुई होती हैं, जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं ना वो मतलब उस जहाँ पे वो प्लांट होता है उससे थोड़ा ऊपर आ गई होती हैं। तो ये मैनग्रोव वेजिटेशन बेसिकली दलदल वाले इलाकों में होती है, ताकि जो रूट है उसको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। तो वो हम सारी चीज़ें आगे को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये वो इलाका होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल जो है वो रिसीव होता है। और इस इलाके में क्या होता है, जो सनलाइट है वो ग्राउंड को टच नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी सारी मतलब जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो इस इनमें क्या होता है, बहुत अलग अलग स्पीसीज़ के जो ट्रीज़ होते हैं वो मिलते हैं इन फॉरेस्ट में, और ये अपनी जो लीव्स हैं उनको क्या करते हैं, गिराते हैं टाइम टू टाइम। अलग अलग टाइम पे ये अपनी लीव्स को गिराते हैं, जिस वजह से ये ट्री हम ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये हमेशा, यानी कि ये ऑल द 12 मंथ्स ऑफ द ईयर ये ग्रीन ही रहता है। क्योंकि कोई पेड़ कभी अपनी पत्तियाँ गिराता है और दूसरा पेड़ फिर किसी और टाइम पे अपनी पत्तियाँ गिराता है, तो इस वजह से ये हमेशा ग्रीन रहता है। देयरफॉर दे अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट, एज यू हैव नोटिस्ड इन फिगर 8.1। तो 8.1 फिगर हमने दिखा ली। अब ये जो इलाका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ये है कहाँ कहाँ पे? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं इंडिया के, असम, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के। एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप इन द वेस्टर्न घाट्स आर द होम ऑफ दीज फॉरेस्ट। और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे हैं? जैसे ये जो हमारा इंडिया का मैप है, सपोज दैट ये ऊपर है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला हो गया, ये रीजन नीचे का है, और इधर सपोज दैट, ओके माई ड्राॅइंग इज़ नॉट वेरी गुड, तो ये वाला जो एरिया है, मतलब कि ये वाला जो एरिया है ये इधर पे वेस्टर्न घाट्स प्रेजेंट हैं कुछ कुछ एरिया में, ठीक है। इट्स नॉट लाइक ऐसा, तो सब ये मैं फिगर में मैं अच्छे से मैप में एक्सप्लेन कर दूँगी, बट अभी के लिए ये है। अच्छा, तो इन ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ मिलते हैं। वो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ क्या हैं? जैसे है महागैनी, इबोनी या फिर रोज़वुड। रोज़वुड बहुत एक्सपेंसिव वुड होती है, जो जैसे गिटार वगैरह जब जो होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें रोज़वुड यूज़ होती है। तो नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट।
तो डेसीडुअस फॉरेस्ट जो है वो कंट्री का लार्जेस्ट पार्ट, मतलब जो है वो इन्हीं फॉरेस्ट से कवर्ड है। ये जो फॉरेस्ट है इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये बहुत लेस डेंस है, यानी कि बहुत कम डेंस है, यानी इतने ज़्यादा घने नहीं हैं ये। तो ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम में ये क्या करेंगे, अपनी लीव्स को गिराएंगे। अब इनमें इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज़ है इन फॉरेस्ट में वो क्या है, साल हो गया, टीक हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, शीशम हो गया, ये सारी जो पेड़ हैं इन इन फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो ये फॉरेस्ट हमको कहाँ, कौन कौन सी जगह पे मिलते हैं? तो अब जाहिर सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा इसमें लिखा हुआ है कि बहुत बहुत लार्ज पार्ट में हमारी कंट्री की इसी तरीके के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो बहुत सारी स्टेट्स ये कवर करेंगे। तो ये कौन कौन सी स्टेट्स कवर कर रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और ये जो डिफरेंट पार्ट है, कुछ पार्ट है महाराष्ट्र के, वहाँ पे हमको डेसीडियस फॉरेस्ट जो है देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर टाइम में क्या करता है, ये अपनी साल की शेड करता है अपनी लीव्स को। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज थ्रोनी बुशेस। थ्रोनी बुशेस, अब ये जो थ्रोनी बुशेस हैं ये ड्राई एरियाज़ में हमारी कंट्री के हमको मिलती हैं। ये थ्रोनी इसीलिए हो जाती हैं ताकि जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, यानी कि इनकी पत्तियों से पानी के उड़ने की प्रोसेस है वो हो ना ज़्यादा, यानी कि प्लांट ज़्यादा पानी ना लूज़ करे। इस वजह से इनकी जो लीव्स होती हैं वो थ्रोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो इनकी स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा से फ्लैशी सी हो जाती हैं, और वहीं पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो थ्रोनी बुशेस बहुत ड्राई एरियाज़ में फाइंड होती है हमको। इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में चेंज हो गई होती हैं ताकि ये बहुत कम पानी को लूज़ करें। अब इन थ्रोनी बुशेस में जो हैं वो क्या क्या है, वो है कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये जो है ये इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना, कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये है, ठीक है। तो ये मिलते कहाँ हैं, ये मिलते हैं हमको स्टेट्स में, राजस्थान के, पंजाब, हरियाणा, ये जो ड्राई थोड़ा ड्राई एरिया, जैसे राजस्थान का एरिया तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, और ईस्टर्न स्लोप्स में भी मिलता है ये, वेस्टर्न घाट के, गुजरात ड्राई एरिया, उसके बाद पंजाब का कुछ एरिया जो बॉर्डर्स टच करता है इधर, थोड़ा इधर की साइड को, उसके बाद हरियाणा, हरियाणा इज़ ड्राई ड्राई एरिया। देन मूविंग टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली ना। तो अब हमारा है माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन, माउंटेन, अब जैसे हमको ना यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं थ्रोनी बुशेस के, इस तरीके का पेड़ होगा वो अकेला सा है ना। अब हमें दिया हुआ है माउंटेन वेजिटेशन। तो अ वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो हम वेरिएशन इन हाइट बोलें तो जैसे जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख है, ये बहुत हाई जो माउंटेन्स हैं बहुत हाई हैं। वही हिमाचल के माउंटेन्स थोड़े से, इससे थोड़े से कम हाई है। उत्तराखंड के माउंटेन्स, माउंटेन उत्तराखंड के जो एरिया है उसमें थोड़े और कम ऊंचे पहाड़ हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी कि इन्हीं वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, माउंटेन की हाइट की वेरिएशंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ का वेजिटेशन है वो भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे उत्तराखंड के जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, जो जैसे बहुत अंदर, जैसे मुनस्यारी साइड जो
मतलब बहुत ऊपर बॉर्डर्स में जो पहाड़ मिलेंगे ना, उनमें देर इज़ नो वेजिटेशन, सिर्फ एक ग्रास जो है वो मिलती है। उसके बाद जब हम थोड़ा इधर को आते हैं, थोड़ा और पहाड़ों की साइड, जैसे नैनीताल वगैरह में, हमको काफ़ी वेजिटेशन मिल जाती है, बिकॉज़ दे आर नॉट वेरी हाई, बट ठीक है, माउंटेन है बट उतने ज़्यादा ऊँचे नहीं। तो ये जो चीज़ है, माउंटेन की हाइट जो है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वहाँ पे वेजिटेशन क्या है। तो हमें ये बताया है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। तो एट अ हाइट बिटवीन 1500, दैट इज़ 1500 से 2500 मीटर, जो मोस्टली ट्रीज होते हैं वो कैनोपियल शेप में होते हैं, ताकि उनमें बर्फ़ इकट्ठा ना हो। तो हम इनको कॉनिफेरस ट्रीज़ कहते हैं। जो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं, इनमें आता है चीर की लकड़ी, चीर होता है, पाइन होता है, देवदार होता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं फॉरेस्ट में, स्पेशली जो देवदार है, इट इज़ वेरी बहुत यू नो बहुत ही ज़्यादा ये नेचर को प्रोटेक्ट और नेचर को बहुत कुछ जो प्रोवाइड करता है, देवदार होता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को जो है रिलीज़ करता है, और जो मतलब बहुत अच्छा पेड़ माना जाता है देवदार का। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, ये सलाइन वाटर में होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सुंदरबंस जो हैं, सुंदरबंस में मैनग्रोव वेजिटेशन होती है। मैनग्रोव वेजिटेशन में जैसे ये जो रूट्स हैं ना, ये रूट्स बाहर आ गई होती हैं प्लांट के, ये जो रूट्स हैं, दीज आर रूट्स। तो ये रूट्स के बाहर आने का पीछे का रीज़न ये होता है कि नीचे तो सलाइन वाटर है, थोड़ा सा दलदल टाइप का ज़मीन होता है। तो अब ये जो प्लांट हैं, ये क्या करते हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती। तो ऑक्सीजन लेने के लिए इन्होंने अपने आप का ऐसा एडेप्टेशन कर लिया होता है कि ये क्या होती हैं, ऊपर को आ जाती हैं। तो स्पेशली ये जो मेन मैनग्रोव्स हैं वो हमको कहाँ मिलती हैं, हमको वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस जो हैं वहाँ पर मिलती है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलती है, ठीक है। और सुंदरी जो है, ये एक स्पीसी है, ये मैनग्रोव के फॉरेस्ट में एक प्लांट होता है जो सुंदरी नाम का है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबंस हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़, हमको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें बोला है कि जो लीला के पेरेंट्स हैं, उसने उसको एक नीम का ट्री जो है वो गिफ्ट किया, उसको प्लांट किया। फिर लीला ने क्या किया, जब लीला 20 की हो गई, तो उसको 20 ब्यूटीफुल ट्रीज़ जो थे उसके घर के आसपास खड़े थे, जहाँ पे जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अपना घोंसला उगाती हैं, और उसमें फ्लावर्स लगते हैं, उसमें बटरफ्लाईज होती हैं, और चिल्ड्रन उसको इंजॉय करते हैं, फ्रूट्स को उसकी ब्रांचेस में झूलते हैं, प्ले करते हैं उसकी शेड में, उसकी छाँव में। तो इस तरीके से दिया हुआ था, हमें भी पेड़ होने चाहिए बेसिकली, ये बोला। देन वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, ऐसा क्यों है कि फॉरेस्ट हमारे लिए नेसेसरी है? तो क्योंकि ये बच्चों की बुक है, तो इसमें हमें पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि जो प्लांट हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो बाइंड करती हैं सॉइल को, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हमको टिम्बर मिलता है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, हमें फ्यूल मिलता है, वुड मिलता है, फोल्डर मिलता है, यानी कि फोल्डर मतलब कि जो हम चारा कहते हैं इसको, जो एनिमल्स को खिलाते हैं। उसके बाद मेडिसिनल प्लांट हैं, हर्ब्स हैं, लेस, लाख कहते हैं जिसको, हनी हो गया, गम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या होते हैं, नेचुरल हैबिटेट होती है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड फॉरेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, जैसे टाइगर, डियर, इन सब चीज़ों के लिए। फिर नेचुरल वेजिटेशन हैव बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसके बाद जो नेचुरल वेजिटेशन है
नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, बहुत अमाउंट तक डिस्ट्रॉय हो गई है। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि क्योंकि बहुत ज़्यादा रैकलेस, मतलब कि अंधाधुंध पेड़ों को काट दिया गया, इस वजह से वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। हमको बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को बोना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए उनको जो ऑलरेडी हैं। तो अगर हमको, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके लिए कि ट्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमें स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारे वन वन महोत्सव हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं ताकि हम अपने अर्थ को क्या कर सकें, ग्रीन बना सकें। तो हमारे पास हम क्या क्या चीज़ें हमको मिलती हैं फॉरेस्ट से, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। देन नेक्स्ट वी हैव इज़ वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट घर होता है बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, बहुत वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। और बहुत सारी थाउजेंड ऑफ स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, और बहुत लार्ज वैरायटी रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की और मैमल्स की हैं, बर्ड्स की हैं, इंसेक्ट की हैं, वॉर्म की हैं, जो कि फॉरेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमको ये दिया हुआ है कि जो टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है, और ये बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इंडिया के वहाँ पर हमको मिलता है। जैसे कि इसमें लिखा है गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, जो कि एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आई गेस। उसके बाद जो एलिफेंट्स हैं और वन हॉर्न राइनोज हैं, उनका जो फॉरेस्ट है वो असम का फॉरेस्ट है। इसके अलावा जो एलिफेंट्स हैं ये हमको केरला में और कर्नाटका में मिलते हैं। हमें कैमल और वाइल्ड एसेस, यानी कि मतलब जो जंगली गधे होते हैं, वो हमको मिलते हैं जो हमारा जो कुछ एरिया है, जो ग्रेट इंडियन का इंडियन डेजर्ट है और रन ऑफ कच्छ है, उसके एरिया में जो है हमको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वाइल्ड गोट्स हैं और जो स्नो लेपर्ड हैं, बियर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमको हिमालयन रीजन में मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हमको हर जगह ऑल ओवर इंडिया मिलते हैं, जैसे कि मंकी, मंकी मिलते हैं तो हमें जनरली दिख ही जाते हैं, वोल्फ हो गया, जैकाल हो गया, नील गाय, चीतल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमको मिलते हैं। उसके बाद जो इंडिया है वो बर्ड्स की लाइफ में भी इक्वली रिच है, यानी कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड्स मिलते हैं। इसमें एक दिया हुआ है हमको, जो हमारा नेशनल बर्ड है वो पीकॉक है, मोर कहते हैं इसको। उसके बाद इसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड्स हैं, जैसे कि पैरट हो गया, पिजन हो गया, मैना, मैना मैना है, गीज, बुलबुल, डक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी बर्ड्स जो हैं मिल रही हैं। उसके बाद बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज़ जो हैं ये क्रिएट की हैं, ताकि जो बर्ड्स हैं उनको नेचुरल हैबिटेट मिल सके, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकें। ये जो बर्ड्स हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है हंटर से। तो हमें इसमें एक एक्टिविटी दी है कि अपने एरिया में जो आपको कॉमनली 5 बर्ड्स मिलती हैं उनके नाम लिखो, ये आप कर लेना। देन देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। बहुत स्पीसीज के स्नैक्स जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं, कोबराज हो गए और क्रेट्स हो गए, ये इम्पॉर्टेंट हैं इनमें। उसके बाद जो ये जो कटिंग, ड्यू टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग, यानी कि फॉरेस्ट को काटने की वजह से और जो हंटिंग करते हैं जो जानवरों की हंटिंग करते हैं हंटर्स, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वाइल्ड लाइफ की इंडिया की, वो क्या हो गई हैं, वो डिक्लाइन हो गई हैं, यानी कि वो कम हो गई हैं और रैपिडली वो कम हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि वो ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे कि डोडो बर्ड इज़ एक्सटिंक्ट नाउ। इसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मैनी नेशनल पार्क सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप।
तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बने, सेंचुरीज बनी, बायोस्फेयर्स बने, जो गवर्नमेंट है उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हमें लिखना है कि आपके घर के आसपास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको अपने लोकेट करो मैप में। देन वी हैव यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में। आप रिफ्यूज़ कर सकते हो ऐसी चीज़ों को ख़रीदने से जो कि एनिमल की बॉडीज से बनी हुई है, जैसे कि बोन्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, फर हो गए, या फिर उनकी स्किन से जो बने हैं फीदर्स, जैसे लेदर जैकेट पहनते हैं अमीर लोग, यू नो, बिकॉज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इन सारी चीज़ों को हम ख़रीदने से अगर मना कर दें, उसके बाद एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द वीक ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के वीक में एक वाइल्ड लाइफ वीक होता है, जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि जो एनिमल्स हैं और उनके हैबिटेट हैं उनको कंजर्व करो। ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में बहुत सारी ये दी हुई हैं, टाइगर्स को मारने की जो इन्फॉर्मेशन टेप, जो ये कटिंग्स हैं, ये कि टाइगर क्राइसिस की पोचिंग हुई है, लार्ज स्केल पोचिंग हुई है, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं जो कि बहुत अनएथिकल चीज़ है ना। उसके बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स का। माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स जो कि दूसरे एरिया से आई हैं, थोड़े टाइम के लिए इस एरिया में है, एंड देन दे फ्लू बैक टू देयर नेटिव कंट्रीज़। तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे पेलिकन है, साइबेरियन क्रेन है, स्टोर्क है, फ्लैमिंगो है, पिनटेल है, डक है, करल्यू है। ये क्या करती है, माइग्रेट जब ठंड का सीज़न होता है, या साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्योंकि ठंड होती है बहुत ज़्यादा दिसंबर से और मार्च के टाइम तक ही यहाँ पे रुकती हैं, फिर मार्च में वापस से अपनी कंट्री में फ्लाई कर जाती हैं, और फिर जब बहुत ठंड होती है वहाँ दिसंबर के टाइम में, फिर से वहाँ से उड़ के इन एरियाज़ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे स्टोक जो है उनकी फिगर, मतलब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो हमें दिख रही हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के ऊपर। सो आई होप दिस हेल्प। तो हमने लाइन टू लाइन पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश की। इसमें कुछ चीज़ें हमको दी हुई हैं, जैसे हमको सबसे पहले वाली पैराग्राफ में दिया हुआ था कि सबसे ज़्यादा बारिश जो रिसीव करता है वो मेघालय रिसीव करता है। बिकॉज ये 6th की है तो इसमें इतना कुछ डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस एक इंट्रोडक्शन है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप रिवाइजिंग।